नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। और आज हम जो खबर बताने जा रहे हैं गाजियाबाद की, जहाँ गाजियाबाद में शमशान का लिंटर गिरने से कई लोगों की मौत हो गई, कई घरों में मातम पसर गया। अब हम आपको बता दें, उस शमशान घाट के लिंटर में 60 लाख रुपए लगे थे और 60 लाख के एवज में मरने वालों को 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का वो लिंटर जो गिरा, जिनके ऊपर गिरा, जिनकी मौत हो गई, उस पर मरहम लगाया जा रहा है 2-2 लाख रुपए का। भ्रष्टाचार हमारे देश में हवा की तरह और शरीर में खून की तरह दौड़ रहा है। लोगों की मौत पर तो 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जिनके द्वारा लिंटर बनाया गया था, जिनके द्वारा पास किया गया था, जिनकी सरकार थी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, नजर डालते गाजियाबाद के शमशान घाट के गिरे हुए लिंटर पर। मुराद नगर में रविवार दोपहर शमशान घाट के प्रवेश द्वार के साथ बने गलियारी की छत गिरने से मलबे में दबकर 23 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। एनडीआरएफ, पुलिस और पीएसी ने करीब 5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया। शमशान में 55 लाख की लागत से गलियारे का निर्माण हुआ था और करीब 15 दिन पहले ही इसे जनता के लिए खोला गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश देते हुए रिपोर्ट तलब की है। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने और घायलों के उचित इलाज कराने की घोषणा की है। आपको बता दें, मुरादनगर के उखलारसी गांव की संगम विहार कॉलोनी निवासी जयराम 70 वर्षीय का रविवार को निधन हो गया था। सुबह करीब 10:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा घर से शुरू हुई और करीब 11:15 बजे मुरादनगर के बंबा रोड शमशान घाट पहुंची। अंतिम संस्कार में मोहल्ले और आसपास के इलाकों के करीब 50 लोग शामिल थे। अंतिम संस्कार के दौरान बारिश होने के कारण अधिकांश लोग शमशान घाट के प्रवेश द्वार पर बने 70 फीट लंबे गलियारे में खड़े थे। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद करीब 11:30 बजे इस गलियारे में 2 मिनट के मौन के लिए सभी लोग जमा हुए। इसी दौरान गलियारे की छत भरभरा कर गिर गई। कुछ लोग बाहर निकल गए थे, लेकिन करीब 40 लोग मलबे के नीचे दब गए। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस पीएसी ने स्थानीय लोगों के साथ बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और मलबे को हटाए। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर जिला एमजी अस्पताल समेत कई अस्पतालों में भेजा गया। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंडल आयुक्त मेरठ वाईडीजी मेरठ मामले की जांच कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही अधिकारी मुरादनगर में डेरा डाले हुए हैं। टेंडर से लेकर अन्य सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हमारी प्राथमिकता होगी कि जो ये कैसे घटना हुई, इसके सभी संभव पहलुओं पर जांच करें और इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। घटना अत्यंत तो दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं, उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं। और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी।